मेथी, मलाई और मटर, वो भी ढाबा स्टाइल। इसके लिए सबसे पहले घी हमारा गर्म हो जाए, मैं इसमें डालूंगा कुछ खड़े मसाले, जैसे एक मैं ले रहा हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, एक मोटी इलायची और ये ज़ीरा। घी हमारा गर्म हो चुका है, ये खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप प्याज और प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे हमें प्याज को इतना ही ब्राउन रखना है और इस स्टेज पे मैं डाल दूंगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस पेस्ट को हमें अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए अदरक लहसुन का। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगा दो टमाटर की प्यूरी। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिससे कि आप भी इजीली घर पे बना सकें, वरना व्हाइट ग्रेवी और रेड ग्रेवी और येलो ग्रेवी के चक्कर में ना पड़ें। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें नमक, स्वाद के अनुसार धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी एक कुटी मिर्च। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ये ताज़े निकले हुए मटर हैं, ये ताज़े मटर मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इन मटर को भी जो है इसी टमाटर के साथ मैं भून लूंगा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि हमारे मटर को गलने में अच्छी तरह मदद करेगा ये, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो ये देखिए मटर जो है हमारा गल चुका है पूरी तरीके से, मसाला भी जो है पूरी तरह से हमारा रेडी हो चुका है। मैं डालूंगा 2 चम्मच दही। आप चाहें तो आप ऐसे भी इस सब्जी को खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस सब्जी का भी, मटर की सब्जी का। और साथ ही में मैंने जो है ये कसूरी मेथी को भिगो के रखा हुआ है और अब इसको मैं पानी इसका निचोड़ के अच्छी तरीके से और इसके अंदर डाल दूंगा और इस मेथी को भी हम इसी के साथ भून लेंगे। अगर फ्रेश मेथी हो तो फ्रेश मेथी का तो मज़ा ही अलग है, बट जिस मौसम में मेथी अवेलेबल नहीं होती तो ऐसे ही कसूरी मेथी का ही यूज़ होता है। अच्छी तरीके से इसी में भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये काजू का पेस्ट। और ये काजू को भी हम इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा बटर, ये अमूल क्रीम। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप घर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो मेथी मलाई मटर है वो तैयार है सर्व करने के लिए। आप देखिए इसका क्या मस्त कलर आया है और खाने में तो ये वाकई में बहुत अल्टीमेट है। तो लीजिए हमारा मेथी मटर मलाई तैयार है सर्व करने के लिए। गार्निश करेंगे हम इसको क्रीम के साथ और थोड़े से हरे धनिया के साथ। तो लीजिए इसको कीजिए सर्व आप बटर नान के साथ और एंजॉय कीजिए मेथी मलाई मटर ढाबा स्टाइल का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मेरी ID है chef.anirudh80। शेफ़ अनिरुद्ध सेठी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।